नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर प्रोग्राम जनक कुंडली के साथ। और आज इस प्रोग्राम में मैं चर्चा करने वाला हूँ लूनर इक्लिप्स के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में, कन्या राशि के बारे में, क्योंकि जो इक्लिप्स हो रहा है कन्या राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। एक कुंडली आप देखिए अपनी कि किस उस समय ग्रहों की पोजिशन कैसी होगी, और उसके बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे। तो सबसे पहले आपका राशि लॉर्ड जो मरकरी है वो कंबस्ट रेट्रोग्रेड होकर सूर्य और राहु के साथ 10th हाउस में है। वहीं चंद्रमा जिसको ग्रहण होने जा रहा है वो है आपके 4th हाउस में, 11th हाउस का लॉर्ड होकर। तो ये सारी स्थितियां क्या दिखाती हैं, तो अगर हम देखें तो ये सीधा सीधा हमें दिखा रहा है कि आपको सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ जो है, खासतौर पे अपने करियर के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करना होगा। तो ये दिखा रहा है कि जॉब को लेकर बहुत सारी चिंता जो है आपके दिमाग में रहेगी, आपकी जॉब जाने के योग जो है बने हुए हैं, काफी स्ट्रांग है। लेकिन उन लोगों के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो अपना बिजनेस रन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। और ये एक अच्छी कंडीशन भी है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड भी है और कंबस्ट भी है। तो ये दिखा रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको ये चंद्र ग्रहण लेकर आ रहा है, तो इसलिए अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत सारा आपको ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हेल्थ जो है वो इतनी खराब हो और उसमें कोविड जैसी सिचुएशन भी जो इस समय चल रही है, कहीं आप भी उसके लपेटे में आ जाए। तो इसलिए अपने आप को, जैसे कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ की बात हम करते हैं, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी तरह का रिस्क आपको नहीं उठाना है। वहीं फोर्थ हाउस का चंद्रमा जो इक्लिप्स की बात हम कर रहे हैं तो चौथे घर में है, तो ये दिखा रहा है कि चेंज ऑफ प्लेस। तो ऐसा लगता है कि आप रिलोकेट होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप नए घर में एंट्री करने की सोच रहे हैं या अपने ही घर के अंदर कुछ रेनोवेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं अच्छी दिखाई दे रही है, जिनका एक अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मैं देखूंगा कि आप अपनी गाड़ी चेंज करने के बारे में सोच रहे होंगे, गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, जो एक अच्छी डील आपको मिल सकती है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं मैं ये देख रहा हूं कि आपको आपके सिबलिंग से जो है किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपके सामने जो है वो आ सकती है। चीज का ध्यान रखें कि उनके साथ किसी तरह का आर्गूमेंट या कॉम्पिटिशन ना बनाए, इससे आपको एंड में आपको हानि ही होगी, उससे लाभ नहीं होगा। अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स से आप ब्लेसिंग लेते रहें, ये उत्तम उपाय इस इक्लिप्स के दौरान आपके लिए हो सकता है, जो आपके लिए बहुत 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 बेहतरी भरा हो। इसके अलावा जो लोग एजुकेशन में हैं और कहीं दूर जाकर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो जी हाँ, एजुकेशन में कुछ रुकावट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूर नहीं जा पाएंगे। अगर किसी फॉरेन कंट्री में आप जाना चाहते हैं, आप वीजा का वेट कर रहे हैं, तो आपको ऑफिशियल जो भी आपका काम काज है, चाहे वो वीजा से रिलेटेड है या कहीं और कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है कि किसी ऑफिस, सरकारी ऑफिस से आपको का कम्युनिकेशन होगा, तो वो कम्युनिकेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां जो है वो इस मामले में आपको काफी लाभ देती हुई दिखाई दे रही है। इस समय के दौरान किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेनी चाहिए, आप किसी के साथ बुरा भी नहीं करें, लेकिन किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में खुद अपना नुकसान ना करें, इस बात का भी ध्यान देना है। क्योंकि ये इक्लिप्स फोर्थ हाउस का इक्लिप्स 7th मार्केश घर के ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के साथ की जॉब को लेकर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये समय उत्तम है, गाड़ी बदलना चाहते हैं तो ये समय उत्तम है, लेकिन अगर आपके मन में आप रिलोकेट होना चाहते हैं, आप अपने घर को बेचना चाहते हैं, तो ये चंद्र ग्रहण जो है कहीं ना कहीं उसमें रुकावट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि पेशेंस रखें, धीरे रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, किसी के साथ आर्गुमेंट में ना रहें, और अपने अपने काम को किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको ज्यादा फोकस करें तो बात बनती चली जाएगी। अन्यथा जैसे मैंने कहा है कि स्थितियां जो है धीरे धीरे करके आपको परेशानी की ओर लेती हुई लेकर जाती हुई दिखाई देती है। तो मैं यही कहूंगा कि बी केयरफुल और एक अच्छी स्थिति के साथ आगे बढ़े, तो आपके लिए ये ग्रहण कहीं ना कहीं मिले जुले फल लेके आ रहा है, तो उसका आपको लाभ होगा। बस इसी जानकारी के साथ अब मैं मिलूंगा आपसे अपने लाइव प्रोग्राम में, जब भी आपका हो संडे एंड वेडनेसडे मेरा लाइव शो रहता है यूट्यूब जेके एस्ट्रोलॉजी पर, और वहीं फ्राइडे के दिन जेके एस्ट्रोलॉजी और MATV के ऊपर भी आप मुझे देख सकते हैं, जो रहता है ठीक 12 बजे। अगली जानकारी के साथ मिलूंगा जल्दी ही आपको, तब तक के लिए नमस्कार।